प्रेज लॉर्ड, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए, परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम अपनी बात को उस नव वर्ष के बारे में आपको बता सके। आइए अब हम वचन में चलते हैं और जानें कि वचन हमसे नव वर्ष में क्या कहता है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालें यशाया 43 उसका 15 वर्ष से और 17 वर्ष तक। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र के मार्ग और प्रचंड धारा में पद बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग ही रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वे यूं कहता है, परमेश्वर हमारा राजा है और ये जैसे बता रहा है कि प्रचंड धारा का पद बनाता है समुद्र मार्ग में से। खुदा बाप, जैसे हम सब जानते हैं, मूसा की लाठी से खुदा बाप ने मार्ग को निकाला। खुदा बाप ने मूसा से कहा, मूसा अपनी लाठी को इस जल पे मार, और जल दो भाग हो गया था और जो इसराइली थे वो उसमें से पार होके होना शुरू हो गए थे। लेकिन जब पीछे से फिरौन की सेना जो आ रही थी, क्या हुआ उसका, वो सारे के सारे उसी के अंदर डूब गए। खुदा बाप ने मार्ग निकाला उनके लिए, क्यों? क्योंकि खुदा के चुने हुए लोग थे, इसीलिए क्योंकि खुदा बाप ने उनके चुन को समीप आने दिया, उनको अपने पास लेके आ रहा था, वो उनको उस जगह में लेके जा रहा था जहाँ पे वो उन्हें ले जाना चाहता था। क्योंकि यहाँ पे बता रहा है, जो रथों और घोड़ों के शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। शूरवीर तो थे, सेना तो आ रही थी पीछे पीछे, लेकिन क्या हुआ, क्या वो पार हो पाई? नहीं, वो पार नहीं हो पाई। पार कौन हुआ? परमेश्वर के लोग, जिन पर परमेश्वर का लहू लगा हुआ था, जिन्होंने परमेश्वर का लहू अपने चौकटों पे, अपने दरवाजों पे लगा रखा था, परमेश्वर उनको निकाल के लेके आया। अब पढ़ें यशाया 43 उसका 18 वर्ष से 21 वर्ष। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवाद करे। यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि अब बीती हुई घटना का स्मरण मत करो। जो चीज़ें हो चुकी थी, जो काम हो चुका था, जो अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, उसे छोड़ दो। माना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अच्छी नहीं थी, जो चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसे याद करते हैं हमारा दिल कांप उठता है। डोंट रिमेम्बर ऑल दोज थिंग, बिकॉज गॉड इज़ अबाउट टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। मतलब आप कुछ नया करने जा रहा है, कह रहा है कि बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। अगर हम उन्हीं बातों में पड़े रहेंगे तो हमारा बात क्या रही? अगर हम उन्हीं पुरानी चीज़ों में पड़े रहेंगे कि हम तो परेशान हैं, हम तो दुखी हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा, क्योंकि खुदा बाप ने हमें इस काम के लिए नहीं रखा है। खुदा बाप ने कहा, मेरा गुणवाद करो, मेरी महिमा करो। बुड़बुड़ाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से इसराइली पुरानी बातों के लिए बुड़बुड़ाते थे, कहाँ पे? जंगल में। आपको पता है, वो जो रास्ता था वो सिर्फ एक 7 दिन का रास्ता था, सिंपली द वे वॉज ऑफ 7 डेज ओनली। लेकिन उन्हें कितने दिन लगे? 40 साल। रीजन, उनका कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, हर बात में मिनमिनाना, हर बात में मीन मेक निकालना, हर बात में कहना कि हम तो वहीं अच्छे थे, हमारे सब चीज़ें प्रोवाइडेड थी वहाँ पे। नहीं, सामने परेशानियाँ दिक्कत हैं। वो कह रहा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हम उस बात से अनजान ना रहें कि खुदा बाप नई बातें करने जा रहा है। पुराने बातों पे ध्यान नहीं लगाओ, बुड़बुड़ाओ नहीं, कुड़कुड़ाओ नहीं। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। जंगल में खुदा बाप एक मार्ग बनाएगा, एक नई बात को करेगा, जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं थी, खुदा उस काम को करेगा। जिस तरीके से लिखा है बाइबल में, एक बात, जिस तरीके से अब्राहम और सारा ने भी नहीं सोचा था कि वो आदि माता और मूल पिता बनेगा, उसी तरीके से खुदा बाप ने वो काम किया। सेम वही काम खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में करता है। हमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। वे आर नॉट सपोज टू डाउट द वर्ड ऑफ द गॉड, बिकॉज द वर्ड ऑफ द गॉड इज़ ट्रू। खुदा का वचन
सच्चे हैं और सत्य है एकदम, कोई मिलावट नहीं है, और वो अपने समय में सारी बातों को पूरा करता है। और आगे लिखा है, गीदड़ और शुतुरमुर्ग और आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। जो लोग डर जाते हैं, ये ऐसा दिखाता है एज अ मेटाफोर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग ये सारे के सारे एज अ मेटाफोर दिखाता है बाइबल में। और मत डर, खुदाब कह रहा है, बार बार इसको कह रहा है, ये लोग तो डर रहे हैं लेकिन खुदाब कह रहा है मत डर, जो कि 365 बार बाइबल में लिखा हुआ है। और ये लोग तो डर जाते हैं क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि खुदबाप परेशानी में प्रॉब्लम्स में है, खुदबाप एक जल की नदियां बहाने पे है। गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ, गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेबल इन योर लाइफ। खुदबाप ऐसे नहीं रखने के लिए, खुदबाप चीज़ों को बदलता है। लाइफ इज बीन चेंज, लेकिन तब चेंज होती है जब खुदाब के साथ साथ चलते हैं, जब खुदाब के साथ बने रहते हैं। जब खुदाब हमसे कह रहा है मैं इस काम को करूंगा, तो उस काम को वो करता है, वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ता। खुदाब ने इसराइलों से प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊंगा। डरने की बात नहीं है, देयर इज नो नीड टू फियर, क्योंकि खुदाब हमारा परमेश्वर है और वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसकी बात पे विश्वास करने की जरूरत है कि बात बताती है, उसने ये आज्ञा दी है कि तुम मुझे छोड़ के किसी और को दूसरा ईश्वर करके नहीं मानना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। गॉड डज नॉट वॉन्ट टू ट्रस्ट ऑन एनी अदर पर्सन रादर देन हिम, और क्योंकि जब हम इस पर भरोसा करके चलेंगे तो जंगल में नदी अपने आप मिल जाएगी, खुदबाप अपने आप चीज़ों को कर देगा। और आगे लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है क्योंकि वे मेरा गुणावाद करें। खुदाब ने हमें अपने लिए रखा है ताकि हम उसकी महिमा करें। खुदाब ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, क्यों बनाया? सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करने के लिए। खुदाब शाम को आता था, आदम से मिलता था, पूछता था, आदम कैसा बना है, कैसी चीज़ है, क्या है? आदम कहता था, खुदाब इट्स वेरी गुड। खुदाब ने उससे कहा, तो सबके नाम रख, जो जो आदम ने उसके नाम रख दिए जानवरों के चीज़ों के, वो वही चीज़ों। तो खुदाब ने हमें अपने लिए बनाया है। वी आर द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड ओनली वांट दैट वी शुड फुलफिल हिज डिजायर व्हिच इज टू ग्लोरीफाई हिज नेम, उसका नाम ऊंचा करने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए। खुदा अपने हमें रचा है और खुदा हमसे और कुछ नहीं, सिर्फ यही चाहता है कि हम उसके नाम की महिमा करते चले जाएं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा करिन्थियों 5:5 और उसकी 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। वचन इस प्रकार बता रहा है कि हम मसीह में नई सृष्टि है। हम जब हमने परमेश्वर को पहन लिया है, जब हम नई बातों में आ गए हैं, परमेश्वर हमें नए साल में प्रवेश कर रहा है, तो नई बातों को सोचे, पुरानी बात जो बीत गई उसे छोड़ दे, क्योंकि पुरानी बातें जो बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जब बीत गया सो बीत गया, पास्ट इज पास्ट, लेट इट रिमेन द पास्ट। नई बात को सोचे, अगर हम पुरानी बातों को सोचेंगे, हम अपना और अपना फ्यूचर खराब करेंगे, अपनी लाइफ को खराब करेंगे। परमेश्वर जो आशीष हमें देने जा रहा है, जो बात हमें देने बताने जा रहा है, पता हम उसको ग्रहण ना कर पाए। जिस तरीके से पुरानी मस्कों में नया आत्मा दू नहीं जा सकता, सेम उसी तरीके से परमेश्वर की बातें जो हमें बता रहा है, पुरानी बातों को नई बातों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, और परमेश्वर ये चीज़ नहीं चाहता। खुदबाप चाहता है कि हम आगे बढ़े, चीज़ों को करें। कह रहा है यदि मसीह में कोई है तो वह नई सृष्टि, हम नई सृष्टि हैं, पुरानी लोग नहीं बचे। नए साल में नई बात, नई चीज़ें, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ, बिना किसी चीज़ के किसी को ऐड अप किए हुए। जब हम खुदा के साथ चल रहे हैं, जब हम नई बातों को कर रहे हैं, खुदाब से ऐद बांधे, खुदाब से प्रॉमिस करें, खुदबाप हम तेरी सृष्टि हैं, तेरी सृष्टि हैं, और हम तेरी बातों को सोचेंगे जो तू हमें देने जा रहा है। एंड वी आर जस्ट वांट टू से दैट वी आर थैंकफुल फॉर यू लॉर्ड। खुदाब आप हमें नई बातों को देने जा रहे हैं, आप हमारे लिए नए काम को करने जा रहे हैं। जो हमारे लाइफ में हो गया सो हो गया, हम उसे दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जिस तरीके से लूत की बीवी ने कहा था पीछे मुड़ के मत देखना, वो देखी थी, नमक का खंभा बन गई थी, वो दंड था परमेश्वर की ओर से। सेम वही तरीके से हमारा परमेश्वर नहीं चाहता हम उसकी काउंटलेस ब्लेसिंग्स को अपनी उन चीज़ों के साथ जोड़े, बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ते हुए जाए। नहीं, आगे बढ़ रहे हैं, नए साल में बढ़ रहे हैं,
तो नई बातों को लेके चले गए परमेश्वर, हम तेरी नई बातों में आगे चलेंगे, पुरानी बातें जाती रहीं, जो हमारी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है हम उसे वहीं छोड़ते हैं और अपनी हर एक चीज को हाथ को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यरमिया चैप्टर 29 और उसकी 11 वर्स। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। खुदावाप ने हमारे लिए बहुत सारी कल्पनाएं की। खुदावाप नहीं चाहता कि हम नाश हो, इसलिए खुदावाप ने जो कल्पना हमारे लिए की है वो हमारे लिए बहुत बेहतरी की है। माना हमारे साथ गुजरे साल में प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, एक ऐसा बेस आया जो हम नहीं सहन कर सके थे। हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन खुदावाप ने उसमें भी एक भलाई देखी है, उसमें भी खुदावाप ने एक भलाई का काम किया। लेकिन अब जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, खुदावाप कुछ और नया करने पर है। लेकिन हमें खुदा से पूछना है, खुदावाप जो हमारी लाइफ में चला क्या वही चलता रहेगा, या तो कुछ नया करने पर, जब वो नया करने पर वो ऑटोमेटिकली हमें चीज़ों को दिखाएगा, वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को हमारे लिए करेगा। क्योंकि कह रहा है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। खुदा जानता है हमारे लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है, और खुदा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर खुदा कह रहा है मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा या तुम्हें इस काम को नहीं करना है, तो दैट मीन्स गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। क्या पता खुदा उससे और अच्छा करे, ये नहीं खुदा हमें वहीं पे स्टॉप करके नहीं रखेगा, खुदा हमें उससे और बेहतर देगा। एक जगह पे खुदा आपने रखा है, खुदा उससे आगे लेके जाएगा, उससे बेहतर की ओर लेके जाएगा। क्योंकि खुदा बाप उसी में नहीं रखता, खुदा हमें आगे बढ़ाता हुआ लेके जाता है। कह रहा है कि वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की हैं, कुशल की बातें हैं, और जो कल्पना खुदा करता है दैट इज अल्टीमेट, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हमारी बहुत सारी आशा है, लेकिन खुदा बाप जानता है किस समय में कौन सी आशा को पूरी करना है। परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आशा करती हूँ इस वचन से आपको आशीष मिली होगी, और हमारे सोल्जर ऑफ गॉड अपोलोजेटिक्स की तरफ से, जो हमारा एक छोटा सा परिवार है, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।